नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन से रिलेटेड, जो मैं आप लोगों को हमारी साइकोलॉजी की सीरीज में मैं आज आप लोगों को इम्पॉर्टेंट थ्योरियों के बारे में बात करूँगा कि इवैल्यूएशन जो हमारा इमोशन है वो किस तरीके से कौन कौन सी थ्योरियाँ उस पर रिस्पॉन्सिबल है। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी कुछ थ्योरियाँ बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको कैनार्ड बाड़ की थ्योरी के बारे में बताया था, जेम्स लिंग की थ्योरी की वो किस तरीके से साइकोलॉजिकल चेंज पर बेस्ड है, और किस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कैनन बार्ड की थ्योरी जो पूरी तरीके से हमारे नर्व सिस्टम हमारे बिहेवियरलिज्म चेंज पे बेस्ड है, और किस तरीके से हमारे नर्व सिस्टम को इम्पैक्ट डालती है, कैसे वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, इसके मसल से नर्व मसल जो है उसमें साइकोलॉजिकल अराउजल होता है और हम इंडिविजुअल किसी भी एक्शन को लेते हैं। मैंने इमोशन के कई सारे आप लोगों को चीज़ें बताई थी, उसमें मैंने प्लूटनिक के 8 इमोशन के बारे में बताया था, इजार्ड के 10 इमोशन के बारे में बताया था, कॉग्निटिव बेसिस किस प्रकार से इमोशन का रोल क्या है, कल्चर के एक्सीलेंस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके बारे में हम बात कर चुके थे। नीड क्या थी, रिडक्शन को रिड्यूस करता था, इमोशन पॉजिटिव हो तो अवेयरनेस बढ़ती थी, मोटिवेशन का फैक्टर कैसे था, कॉग्निटिव इंस्पायरेशन को किस तरीके से यूज करता था, कैसे गुड रिलेशनशिप में मदद करता था, कैसे अच्छी इम्पैथी और रिलेशनशिप डेवलप करता था, कैसे कम्युनिटी की सर्विस में मददगार था। तो इमोशन के कंट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि साइकोलॉजिकली मेडिकल फील्ड हिस्ट्री इकोनॉमी सोशियोलॉजी हर फील्ड में इनके हैं। तो आज हम इसी का डिटेल वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती रहें और वो भी थोड़ा इस तरीके की चीज़ों को या साइकोलॉजिकली जो लोग इच्छुक हैं वो इन चीज़ों को जान पाए। तो आज हम अपने इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ अब फिलोसफरों की बात करता हूँ, जैसे कि जॉक पैंसेफ है। जॉक पैंसेफ कहते हैं कि जो ये इमोशन है वो पूरी तरीके से बायोलॉजिकली इनहेरिटेड है, मतलब ये हमको जन्म से ही हमारे इनहेरिटेंस से ही हमको मिले हैं, जो हमारी ऑफ स्प्रिंग है या हमारी कह सकते हैं जीन्स हैं उनमें ये चीज़ें पहले से ही पूरी तरीके से इम्ब्राइड हैं इनग्रेंड हैं। तो इसी को वो कहता है कि ये कोर सेल्फ है। वो कहता है कि जब इंसान कुछ सीख करता है तो उसको कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ एक्सपेक्टेंसी की वो उम्मीद करता है। जैसे वो फियर में होता है उसको समझ में आ जाता है, एंजाइटी की समस्या आने लगती है, जैसे वो गुस्से में होता है उसको एंगर आने लगता है, जैसे वो लस्ट में होता है उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है उसकी बॉडी में, जैसे वो केयर के उसमें मूड में होता है तो नर्चर करने का उसका दिमाग यूज करने लगता है, पैनिक में होता है तो उसके जो न्यूरॉन सेल हैं बायोलॉजिकल सिस्टम है वो सैडनेस का सिग्नल देने लगता है, वैसे अगर वो खेलने के उस पर होता है तो सोशल जॉय करता है मौज मस्ती करता है फन करता है। तो ये कुछ पैंसेफ के अपने व्यू हैं समझने की चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं किटनर के 27 इमोशन की, किस प्रकार से इमोशन कितने वैरायटी के हो सकते हैं और एक इंसान इमोशन को किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है। तो किटनर ने बड़े ही अच्छे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेज दिए हैं जिनके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इमोशन किस तरीके से कौन कौन से इमोशन हो सकते हैं। तो पहला तो उन्होंने बताया कि एथेस्टेटिक हो सकता है इमोशन, फिर दूसरा हो सकता है कि एडोरेशन का हो सकता है कि कोई आपको अप्रिसिएट करे उसका भी इमोशन हो सकता है, एम्यूजमेंट मतलब मौज मस्ती का हो सकता है, एंगर आप गुस्सा हो सकते हैं उसके लिए भी इमोशन हो सकता है, तो ये कुछ चीज़ें एंजाइटी है उसके लिए हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ऑकवर्डनेस है तो उसके बारे में भी इमोशन काम करता है, बोर्डसम की सिचुएशन है तो उसमें भी इमोशन हो सकते हैं, या कन्फ्यूजन स्टेट में है तो उसमें भी इमोशन हो सकते हैं, क्रैविंग की समस्या है तो उसमें भी इमोशन का एक रूप देखने को मिल जाता है, डिस्गस्ट है आप तो भी इमोशन का एक रूप देखने को मिल जाता है, इम्पैथेटिक है तो आपको इमोशन झलक जाते हैं, पेन में है तो इमोशन झलक जाते हैं, या आप कोई एडवांसमेंट में है तो उसमें भी इमोशन दिख जाते हैं, कोई एक्साइटमेंट है उसमें भी इमोशन दिख जाता है, कोई फियर है उसमें भी दिख जाता है, कोई हॉरर है उसमें भी इमोशन दिख जाता है, बस अंतर ये होता है कि कहीं पॉजिटिव दिखते हैं कहीं निगेटिव दिखते हैं। जो
इंजॉय में पॉजिटिव एक्सपीरियंस फील होता है, नॉस्टैल्जिया को बोलता है कि ये भी एक अच्छा है, रिलीफ है, रोमांस है, सैडनेस है, सेटिस्फैक्शन है, सेक्सुअल डिजायर है, सरप्राइज है। ये कुछ 27 वैरायटी के इमोशन है जो किटनर आइडेंटिफाई करता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इन इमोशनों से ज़रूर गुजरता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इकमैन की थ्योरी जो इमोशन के बारे में बताती है कि इमोशन का जो बेसिक इमोशन का सिस्टम है वो कई सारी चीज़ों पे बेस्ड है। पहले तो बताता है कि हैप्पी में कौन कौन से इमोशन हो सकते हैं, जैसे आप अच्छा फील करते हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं, आप सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं, आप प्लीज करते हैं किसी चीज़ को, जैसे आप एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ को लेकर तो आपके अंदर इनर्जेटिक माहौल आ जाता है, आप अराउज होते हैं किसी चीज़ को लेकर, बाउंसी या नर्वसनेस जो होता है वो आपके अंदर दिखने लगता है, जैसे आप टेंडर के सिचुएशन में आते हैं तो आपका माइंड इंटीमेट को सोचता है, किसी को प्यार करने को, सोशल बॉन्ड बनाने को, आप वार्म फील करते हैं, आप टच फील करते हैं, आप काइंड होते हैं, आप सॉफ्ट होते हैं, तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप सैड होते हैं तो आप काफ़ी डाउन होते हैं, आपका चेहरा बिल्कुल उतरा होता है, आप ग्रीव्ड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, इवन हार्ट ब्रोकन जैसी समस्याओं से आप गुजर रहे होते हैं, एंग्री होते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, आपका जो माइंड है पूरी तरीके से माइंड हो जाता है, आप फ्यूरियस हो जाते हैं। तो ये जो इमोशन है ये पूरी तरीके से एक माइंड की थ्योरी पे बेस्ड है। और स्केयर्ड में आप टेंशन में आ जाते हैं तो नर्वस जो हो जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, पैनिक आपको लगने लगता है, टेरिफाइड हो जाते हैं। तो ये कुछ एक माइंड के इमोशनल रिस्पॉन्स है कि जब आदमी अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने रखा कि जब आदमी हैप्पी होता है तो क्या इमोशन के रिस्पॉन्स करता है, जब एक्साइटेड होता है तो क्या रिस्पॉन्स करता है, जब वो टेंडर सिचुएशन में होता है तो क्या रिस्पॉन्स करता है, जब वो सैड फेज में होता है तो क्या रिस्पॉन्स करता है, जब वो स्केयर्ड होता है तो क्या रिस्पॉन्स करता है। स्टोइक थ्योरी कहती है कि इमोशन दो प्रकार से काम करते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है उसमें आप उसको गुड इमोशन बोलते हैं, जिसमें आपको जॉय कासन, और बैड में आप परेशान होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, नर्वस होते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े फिलासफर एरिस्टोटल है वो इमोशनल के वर्क के जो डायमेंशन है उसको वर्चू की नज़र से देखते हैं, वो कहते हैं कि इमोशन एक प्रकार का पैशन है जो आपके अंदर से आता है, जो आपके इनर कॉन्शियस से आता है, ये एक इंटरनल कोर सेल्फ है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कोर सेल्फ के बारे में जॉन जॉब पैंसिप का व्यू बताया कि बायोलॉजिकली इनहेरिटेड है, तो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल का भी ऐसा मानना है कि जो हम पैशन होता है वो हमको उस चीज़ को एक्शन करने के लिए, हमारे थॉट्स को करने के लिए करता है, और ये पैशन हमारे इनर कॉन्शियस से आता है, हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर से आता है, हमारे बिहेवियरल चेंज की वजह से आता है, और ये बिहेवियरल चेंज हमारे बायोलॉजिकल चेंज की वजह से संभव हो पाते हैं, तो ऐसा मानना है एरिस्टोटल का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चाइनीज एंटिक्यू में भी पुराने समय में इमोशन को बताया गया था कि कहीं ना कहीं डैमेज कर देते हैं वाइटल ऑर्गन्स को, क्योंकि इससे आदमी काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस का सिचुएशन हो जाता है, जिससे उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ह्यूमर्स भी हैं जो पूरी तरीके से इमोशन को स्टडी करते हैं, वो बताते हैं कि इसमें हेल्थ है, बिहेवियर का कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो मॉडर्न व्यू है आज के समय में जिसमें हम स्टडी करते हैं, उसमें कई सारे फिलोसफर हैं जिन्होंने इमोशन पे अलग अलग प्रकार के अपने व्यू रखे, चाहे वो डिकार्ट हों, चाहे वो मैकिवेली हों, चाहे वो स्पिनोजा हों, चाहे थॉमस हॉब्स हों, चाहे डेविड हूम्स हों, ये सब बड़े फिलासफर वेस्टर्न फिलासफर हैं। तो इन्होंने स्टडी करा इम्पीरिसिस्ट के बारे में, साइकेट्रिक्स के बारे में, और अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव निकाले इमोशन को लेकर। तो जो हम इमोशन आज पढ़ते हैं वो बहुत प्रकार है, उस इमोशन के पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे वेस्टर्न थियोलॉजिस्ट मानते हैं कि गाड जो है वो ह्यूमन को गाड ने क्रिएट करा, इसलिए गाड भगवान को फील करने का इमोशन देता है, और वो उसका लोकस स्टैंडिंग पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट वो फिजिकल बॉडी होता है, जिसके जरिए जो इमेज की गाड़ है वो हमें नज़र आने लगती है। कैसे नज़र आने लगती है, जब हम सैड होते हैं तो हम गुस्से में होते हैं, विकराल रूप बना लेते हैं, हंसने लगते हैं, फिर निराश होकर बैठ जाते हैं,
कभी कभी ऐसा करने लगते हैं कि हमको लगता है कि हमारे ऊपर, जैसे आजकल के लोग कहते हैं इसको देवी आ गया, तो उस दैवी शक्तियाँ नहीं आती, पर उसमें एक स्वरूप जरूर झलकने लगता है ईश्वर का, ऐसा मानना है वेस्टर्न थियोलॉजिस्ट का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के सारी चीज़ें भी समझ में आएगी। अब हम लोग चलते हैं अपने इवोल्यूशनरी थ्योरी की तरफ। जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। ये कहती है कि जो इमोशन है वो हमारे इवोल्यूशन से ही, जब से हम पैदा होते हैं तभी से हमको मिल जाते हैं। उनकी एक किताब है बुक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इसमें वो बताते हैं कि मैन और एनिमल्स में भी इमोशन पाए जाते हैं, जिसको वो कहता है कि इनहेरिटेंस के जरिए आते हैं। जो आपकी जीन्स है, जो आपके फादर और मदर के स्पर्म है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्रोमोजोम हैं जो इस तरीके के, जो आपके अनुवांशिकी गुण है वो उसमें पहुंच जाते हैं। जीन के जरिए जो डीएनए सिस्टम है, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे बॉडी में, जो ट्रांसमिशन होता है जीन्स का वो इसी जरिए होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कहता है कि ये इनहेरिटेंस इवन ज़रूरी नहीं कि हमारे कल्चर मानव में, ये इवन अब जानवरों में भी संभव है। उसने ऐसी स्टडियां करी जिसमें वो पाया कि कुछ जानवर भी सेम तरीके का इमोशन फॉलो करते हैं, जिसको क्रॉस कल्चर यूनिवर्सैलिटी का नाम देता है। तो चार्ल्स डार्विन की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोमांटिक थ्योरी बताती है कि बॉडी के जरिए हम अपना रिस्पॉन्स करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, और उसके जरिए हमको इमोशन का रिस्पॉन्स नज़र आता है। जैसे हमको कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन तुरंत हमारे माइंड में पहुंच जाता है कि हाँ हमारी बॉडी को अब ये डिजायर है, ये नीड है, इसके जरिए वैसे ही इमोशन जागृत होने लगते हैं। तो विलियम जेम्स ने 1880 में इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने के बाद पाया कि जो सोमांटिक थ्योरी है वो बॉडी बिहेवियर के बारे में बात करती है कि जैसा हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वैसा ही हमारा माइंड कॉग्निटिव तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है, वैसे ही इमोशन हमारे अंदर आते हैं। तो दूसरी जो फिलासफी है वो कॉग्निटिव थ्योरी की है। कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि कैसे एक इंडिविजुअल किसी भी इमोशन को इंटरप्रेट करता है, समझता है, आइडेंटिफाई करता है उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन पर उसका क्या रिएक्शन होता है, कैसे उस रिएक्शन को कंट्रोल करता है या उस चीज़ पे डिफेंस करता है या उसमें रम जाता है, उस आधार पे ये कहता है ये कोई ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं आते हैं, ये आपके इंटरप्ले कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन का पार्ट है कि आपका माइंड जो है, जो आपकी कॉग्निटिव रिस्पॉन्स थ्योरी है, जो आपका कॉग्निटिव प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स है या आपका थैलेमस है, हिपोथैलेमस है या आपका अमिगडाला है, ब्रेन का एक सिग्नल पार्ट, वो किस तरीके से उन चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, कैसे आपकी बॉडी के जो केमिकल सब्सटेंस हैं, हार्मोनल चेंज है, वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं लेजारस की थ्योरी। लेजारस की थ्योरी ये बताती है कि जो कॉग्निटिव अप्रेजल है वो एक तरीके से ये बताता है कि हम अपने माइंड को किस तरीके से किसी कैस इवेंट में हम किस तरीके से एसेस करते हैं। जैसे मान लिया हम कहीं गए कोई इवेंट में, अब वहाँ बहुत धूमधड़ाका गाना मचना है तो हमको भी नाचने का मन करेगा, तो हमारा इमोशन वहाँ खुशी का होगा। साइकोलॉजिकल चेंज की वजह से होते हैं, कभी कभी हमारा बायोलॉजिकल साइकिल चेंज होता रहता है, मोड स्विंग होते रहते हैं, हमारा एड्रेनल रिस्पॉन्स सिस्टम बढ़ता घटता रहता है, हमारे हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें सेल्स में घटौती बढ़ौती होती रहती है, उसकी वजह से भी हम उसी तरीके के एक्शन करते हैं, वैसे ही इमोशन फील करते हैं, उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये हमारे क्वालिटी और क्वांटिटी में भी डिपेंड होते हैं कि हम उनको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, हमारे जो कंट्रोलिंग कॉग्निटिव पावर है वो किस तरीके से उनको प्रोसेस कर रही है, वो भी लेजारस की थ्योरी बताती है कि हम किस तरीके से किसी इवेंट के जरिए इमोशन को एनालिसिस कर सकते हैं, अपने साइकोलॉजिकल चेंज के जरिए उन तक पहुँच सकते हैं, उनके इमोशन के पीछे का पता लगा सकते हैं। तो जैसे हम किसी डेंजर जीव को देखते हैं, जैसे सांप हो गया या कोई और डेंजर एनिमल हो गया, नेहुला हो गया, जिसको देख के हमारे दिमाग में तुरंत, हमारे साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव माइंड में तुरंत ये बात पहुंचती है कि यहाँ पे डेंजर है, और हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है, हमारी ब्रेन जो होती है वो एक्यूरेट हो जाती है और हम वहाँ से भाग लेते हैं। तो इस तरीके से ये साइकोलॉजिकल चेंज का कारण हमारा कॉग्निटिव माइंड
जो साइकोलॉजिकल न्यूरॉन्स सेल्स हैं वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जॉर्ज मंडल की टू प्रोसेस थ्योरी भी इस चीज़ पे बात करती है। वो कहते हैं कि इमोशन प्राइमरी अप्रेजल पे बेस्ड होते हैं, और प्राइमरी अप्रेजल में वो बताता है कि ये इवैल्यूएशन की सिचुएशन होती है, जहाँ आप किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, क्या आपका मानक होता है, क्या आपका क्राइटेरिया होता है, क्या आपके वो बिंदु होते हैं जिस आधार पे आप किसी भी इमोशन को इवैल्यूएट करते हैं, उसके निर्णय तक पहुँचते हैं, उसकी बात को एनालिसिस करते हैं अपने जरिए। जैसे कि जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, या कि वो आपके लिए हार्मफुल है, या आपके लिए न्यूट्रल है, तो आपके स्टेट में तीन माइंड पे आपके माइंड में तीन चीज़ें क्रिएट होती हैं कि क्या वो जो चीज़ है वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, या वो मेरे लिए हार्मफुल का काम कर रही है, या वो मेरे लिए न्यूट्रल है। तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस तरीके से हम प्राइमरी लेवल पे इमोशन को पता लगाते हैं, उसके इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट करके, एनालिसिस करके, उसका इंटरप्रिटेशन करके, सही तरीके से आकलन करके। सेकेंडरी अप्रेजल में उसी असेसमेंट को हम कि हम उस एबिलिटी में कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे, क्या एक्ट लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, किस तरीके का हम रिजल्ट करेंगे, और किस तरीके से हम उस इमोशन से अपने को सिचुएशन से मैनेज करेंगे। और जब वो कम्बिनेशन प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल का हो जाता है तो उसी को वो इमोशन जनरेशन का नाम देता है, जो एक प्रकार की जो प्राइमरी सिचुएशन होती है वो उसको प्राइमरी अप्रेजल को पॉजिटिव सिचुएशन जॉय बताता है, जबकि सेकेंडरी में वो फियर एंड सैडनेस की बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं लाभ इमोशन की तरफ। तो जो लाभ इमोशन है वो निको पटेलजा एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने दिया बताया कि कैसे हमारे इमोशन है वो जो फंक्शन करते हैं, कैसे ये हमको एक्सपीरियंस होते हैं, कैसे हम इनको एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसने इनको तीन चार तरीके से अपना लाभ को रखा। पहले तो उसने बताया कि आप लाभ सिचुएशन का बेसमेंट कि किस सिचुएशन में आप किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं, कौन से इवेंट पे आप किस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं, उस परसीव के जरिए आप उस सिचुएशन पे अपने आप को किस तरीके से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो पहला तो लाभ सिचुएशनल मीनिंग की बात करता है। दूसरा लाभ कंसर्न कि मान लीजिए जो सिचुएशन है उस पे आपका सिग्नल क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है कि आपका गोल क्या है, आपका इम्पैक्ट कितना डालना चाहते हैं, आपकी नीड क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है उसके पीछे। तो लाभ कंसर्न दूसरी बात करता है। तीसरा लाभ अप्रेजल कि आप उस चीज़ को किस तरीके से अप्रेज करेंगे, क्या एक्सपीरियंस फैक्टर होंगे, कौन से रिलेवेंट चीज़ें होंगी, क्या गोल होगा, क्या पोटेंशियल होगा किसी चीज़ को, किस तरीके से आप उस स्पेसिफिक चीज़ को इमोशनल रिस्पॉन्स करके देखेंगे, इमोशनल रिस्पॉन्स देंगे उस पर्टिकुलर इवेंट में, पर्टिकुलर टाइम पे किस तरीके का एक्शन लेंगे। तो ये लाफ अप्रेजल की बात करता है। लाफ रेडीनेस बताता है कि आप किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को किसी एक्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एसोसिएट करता है साइकोलॉजिकल चेंज से कि आपके माइंड को किस तरीके से साइकोलॉजिकली चेंज होता है, क्योंकि इंडिविजुअल तभी एक्शन करता है जब उसके माइंड में साइकोलॉजिकल चेंज होता है, या वो एक्शन लेता है किसी टेंडेंसी पे, इससे वजह से इंडिविजुअल उस चीज़ के लिए रेडी होता है रिस्पॉन्स करने के लिए, और उस रिस्पॉन्स से उसको कई सारी चीज़ों का इमोशन जाहिर होता है या वो फील करता है। इसको लाभ कंसर्न एक्सपेक्टेंसी बताता है अगला, जिसमें यह कहता है कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ व्हाट अकर इन फ्यूचर। वो ये कहता है कि जो अभी हैपन हो रहा है या क्या फ्यूचर में होगा, उस समय भी आदमी अलग प्रकार से अपनी कॉन्सिक्वेंसेज और सिचुएशन के आधार पे इमोशन को फील करता है कि उसके गोल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके परसेप्शन क्या है, उसका बिलीव क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है किसी चीज़ को लेकर। तो ये सारी चीज़ उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब हम इमोशनल एट्रीब्यूशन थ्योरी की तरफ चलते हैं, जो जेसी प्रिंस फर्स्ट के द्वारा दी गई है। ये थ्योरी फिलोसफर और साइंटिस्ट जेसी प्रिंस के द्वारा दी गई है। ये थ्योरी बताती है कि किस प्रकार से पीपल को रिकॉग्नाइज करा जाता है, उनके इमोशन को अंडरस्टैंड करा जाता है, क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी जाती हैं, कौन कौन से, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए, उनकी वो
वोकल टोन क्वालिटी के जरिए, अब जैसे फेशियल एक्सप्रेशन में आप बहुत हंस रहे हैं तो मतलब आप खुश हैं, बॉडी लैंग्वेज में आप बहुत सैड बैठे हैं या बहुत ऐसे ऐसे कर रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, तो आप मौज के सिचुएशन में वोकल टोन में अगर आप बहुत धीरे बोल रहे हैं तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिक इमोशन जो होते हैं, बेसिक इमोशन भी एक थ्योरी होती है जिसमें ये होते हैं कि ये यूनिवर्सल इमोशन है, ये बायोलॉजिकल इमोशन है, ये ऑटोमेटिकली आते हैं, इनमें किसी चीज़ का कोई रोल नहीं है, ये बायोलॉजिकली इनहेरिटेड होते हैं। तो ऐसा इस थ्योरी का मानना है। सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस की जिस हम समाज में रहते हैं उसकी वजह से इमोशन हमको जाहिर होते हैं कि हम समाज में किस चीज़ को कैसे देखते हैं, किस तरीके से परसीव करते हैं, कैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस कंसेप्ट में है, इसको हम सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस का नाम देते हैं। मोरल इवैल्यूएशन की लोग हमारे बारे में क्या जज करते हैं, किस चीज़ को मोरल मानते हैं। मोरल इवैल्यूएशन का मतलब जो चीज़ सही है समाज की नज़र में की, तो उसके आधार पे इमोशन। जैसे हम मान लीजिए कि आप समाज में गए, अब समाज में पता है कि किसी को गाली नहीं देना, अब आप गाली दे रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है क्योंकि मोरल जजमेंट आपका तो यही हो रहा है ना, समाज के आधार पर गाली देना गलत है, क्योंकि सोसाइटी कस्टम ने गाली को गलत नर्स में डाल दिया है या वो समाज में अनएथिकल भी है, तो आपके दिमाग में तुरंत सैडनेस माइंड बन जाएगा, आपका प्लेस जो होगा वो उतर जाएगा। अगर कोई आप अच्छा काम करेंगे, कोई स्पीच देंगे, कोई आपको वाहवाही देगा तो आपका मोरल जजमेंट क्या होगा, लोग मोरली आपको यही करेंगे आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इस तरीके से इसीलिए कहते हैं जब लोग बहुत पढ़ ले जाते हैं तो हमेशा जो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल होता है वो हमेशा अनसोशल हो जाता है, वो अनसोशल नहीं होता है, वो एक्चुअली रहता ही सोशल है, बस वो समाज को अनसोशल दिखने लगता है क्योंकि वो चीज़ों की रियलिटी को पहचानने लगता है, वो चीज़ों के जो गहराई है उस पर उतरने लगता है। तो उसको जो चीज़ें समाज उसके ज़बरदस्ती मुँह पर थोप देता है, उसको मनवा लेता है, वो उससे मानने से मना कर देता है, उसको वो सारी चीज़ें बेहूदी लगती हैं, ख़राब लगती हैं, क्योंकि वो गहराई तक जा चुका है जहाँ इंसान बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, तो वो इस वजह से समाज से विपरीत चलने लगता है, इसीलिए वो समाज में सोशल एंटी एलिमेंट घोषित हो जाता है। हालांकि वो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी थिंकिंग को सराहना चाहिए, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जिगरा और खोपड़ा चाहिए होता है, वो सब लोगों के पास नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है, जो हिप्नोटाइज वगैरह होते हैं किसी भी आदमी को शांत खड़ा रहे उसके बारे में क्या सोचा है, वो इसी तरीके से उनके अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन और किसी भी आदमी के बिहेवियर, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी स्टाइल, उसकी पूरी टोनल क्वालिटी, बॉडी के एक्सपोजर, स्ट्रक्चर, हर चीज़ माने रखती है। तभी जाके जो बड़े बड़े कहते हैं कि हम मेंटलिस्ट हैं, वो मेंटलिस्ट ऐसे ही बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं हम थ्योरी ऑफ कंस्टिट्यूड इमोशन की तरफ, कि ये कुछ इमोशन होते हैं जो कंस्टिट्यूड होते हैं, ये ट्रिगर नहीं होते हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं आपके सराउंडिंग से, आपके फिजिकल बॉडी प्रॉपर्टी से, आपकी बॉडी से, आपकी ब्रेन से, आपके कल्चर से, आपके इन्वायरमेंट से, उस आधार पर आप इमोशन को अपने एक्सप्रेस करते हैं, बिहेव करते हैं, उस आधार पर अपने अपना इमोशनल जजमेंट बनाते हैं, मोरल जजमेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से भी ये जो ट्रिगर कंट्रीब्यूट इमोशन की थ्योरी है वो काम करती है। अफेक्शनेटिव इवेंट थ्योरी एक होती है, ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो पूरी तरीके से फोकस करती है कि आपका रोल वर्क प्लेस पे क्या है। अगर आप वर्क प्लेस पे आपका एटीट्यूड बेहतर है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप खुशी रहेंगे, आपके पास हैप्पीनेस आएगी, आप जॉय रहेंगे, आप चीयरफुल रहेंगे। लेकिन अगर आपका वर्क प्लेस बेहतर नहीं तो आप सैड, डिप्रेशन, एंजाइटी या नर्वसनेस आपको फील होगी। ये बहुत बड़े फिलासफर हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड WM Wiss के द्वारा दी गई है ये फिलासफी, जिसमें ये पॉजिटिव इमोशन की बात करता है कि पॉजिटिव इमोशन तब आते हैं जब एक इंसान जॉब से सेटिस्फाइड होता है, वो इम्प्रूव करता है अपनी परफॉर्मेंस में, ग्रेटर कमिटमेंट उसका बढ़ता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रोल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बेहतर करा जाए, तो इसमें इमोशनल थ्योरी का भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। जो लोग आजकल एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, जैसे पुणे में वो एक लड़की मर गई, CAO क्यों मर गई, क्योंकि उसको इमोशनली काम ना करा के उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेस करा के ओवरवर्क का शिकार बनाया गया। अगर उसको इमोशन के जरिए काम कराया जाता, वो खुश होती तो
कभी सुसाइड ना करती, उनको बिल्कुल स्लेव की तरह ट्रीट करा गया। तो जो लोग इस बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं उनको इमोशनल थ्योरी का सपोर्ट लेना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो कनेक्शन है वो बेहतर रहेगा और इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता था क्योंकि ये बहुत बेहतर चीज़ें हैं। हालांकि आजकल मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल सब वही यूट्यूब में रील्स देखना और ये सब चीज़ें देखते हैं, डांस देखना, और जो वल्गारिटी है उसको सपोर्ट करते हैं। इन चीज़ों को कोई नहीं सपोर्ट करेगा, पर मेरा काम है तो मैं अच्छी चीज़ें ही आपको लाऊँगा। भले हमको कुछ भी हो, हमको कोई देखे या ना देखे, लेकिन जितने लोग देखेंगे कम से कम वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। बस मैं इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और रोज़ मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ लाता रहूँगा। दो दिन मैं नहीं ला पाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सिचुएशनल पर्सपेक्टिव की तरफ। सिचुएशनल पर्सपेक्टिव जो हमारा पॉल एक ग्रिफिथ एक साइकोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं कि इमोशन हमारे सोशल रिलेशनशिप, हमारे लव इंटीमेसी, केयर और एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म के आधार पे भी डेवलप होती है कि हम कैसे एक्शन लेते हैं, हमारा सोशल बॉन्ड कैसा है, उस आधार पे भी हमारे इमोशन जनरेट होते हैं। जेनेटिक्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो लेटर स्टेज में डेवलप हुई। ये बताती है कि स्ट्रेस सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कहीं ना कहीं हमारे जीन को इफेक्ट करता है। उसकी वजह से जो हमारे डीएनए है या ट्रांसमिशन है या हेरिटेबल ट्रेट की वजह से हमको इमोशन के अलग अलग प्रकार, अलग अलग एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में भी अलग अलग तरीके से इसको बताया गया कि कुछ प्लीजेंट कंडीशन बनती हैं, कुछ अनप्लीजेंट कंडीशन बनती हैं जो हमारे लिम्बिक सिस्टम पे पूरी तरीके से ममेलियन ब्रेन को इंगित करती हैं, रिस्पॉन्स देती हैं, जिसके जरिए हमको अराउजल फील होता है। उस अराउजल के जरिए हमारे शरीर में न्यूरोकेमिकल्स सब्सटेंसेस का प्रवाह होता है, जिसके जरिए हमारे शरीर से डोपामाइन, नोराड, लेलाइन, सोरोटीन जैसे जो हमारे क्या बोलते हैं हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं। उसकी जगह से वो हमारे जो माइंड है, बॉडी है, उसके ब्रेन के अंदर जाते हैं, वो हमको पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हैं, जिसके जरिए वो हमको गेस्चर के जरिए, विजुअल के जरिए, पोस्चर के जरिए, हमारी बॉडी मूवमेंट के जरिए वो हमको समझ में आते हैं। तो इसके लिए कई सारे हमारे जो मेडिकल जो हमारी साइकोलॉजिस्ट एनालिसिस है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती है। न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हाइपोथैलेमस या कॉर्टेक्स या लिम्बिक।